हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल का नाम है मोहनिश प्रेरणा और हम लोग इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाते हैं। सो एनी गेसेस कि आज हम कहाँ पे आए हैं? सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा और हम लोग आए हैं इस्कॉन टेम्पल, जो बहुत ही सुंदर है। और इस इस्कॉन टेम्पल के आजू बाजू लेक्स हैं और पिकॉक्स हैं और बहुत सुंदर सुंदर स्टैचूज़ हैं। तो आप मेरे साथ चलते रहिए और देखते रहिए कि हम लोग अभी इस्कॉन टेम्पल में क्या क्या देखने वाले हैं। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये है फुल फॉर्म ऑफ इस्कॉन। और इस्कॉन सबसे पहली बार अमेरिका में आया था 1966 में, और ये अमेरिका में आया था और सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल बना था न्यूयॉर्क में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे महाप्रसाद भी मिलता है, मतलब हर संडे को यहाँ पे खाना होता है और फ्री में मिलता है। तो अभी मोनिश वहीं गए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खाना वगैरह सब स्टार्ट हो रहा है महाप्रसाद देना। तो मोनिश वहीं गए हैं हेल्प करने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे हैं महाप्रसाद के लिए, और मैं भी लगी हूँ लाइन में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी लोग हैं। और फिर खाना लेने के बाद हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे छाव है, ट्री है, तो यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट की गई है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। सो गाइज, हम लोग बहुत पास पहुँच चुके हैं और अभी इसके पापा भी हम लोग को दिखेंगे, वो भी प्रसाद परोस रहे हैं, दे रहे हैं सबको। तो अभी हम यहाँ से प्लेट्स लेंगे। दिख रही होगी आपको यहाँ पे वुड की प्लेट्स हैं। हाँ, अदु को बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो अभी हम लोग सबसे पहले खाना खा लेते हैं। नो फिन एक मिनट, खाना खाने के लिए दोस्तों बहुत यम्मी यम्मी खाना है। हाँ, ये दाल है, थोड़ा थोड़ा में राइस है, पनीर है, बहुत ही यम्मी यम्मी लग रहा है मुझे प्रसाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ता है, सैलेड है और मूंग दाल है, खिचड़ी भी है, चावल भी है, पनीर की सब्जी है, मंचूरियन है, मतलब प्रसाद है। बट सब चीज़ें हैं जो चाहिए, हमें पसंद आती है सबको खाना खाने के लिए। और ईशु ने भी स्टार्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। हाँ, और अद्दू भी खा रही है। क्या खा रही हो? पनीर खा रही हूं। ओके, A few moments later. Do you want dal? Coffee, Raj. सर, महाप्रसाद जो बांटने में जो मज़ा आया ना दोस्तों, वो खाने में भी नहीं है। तो आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ इस्कॉन टेम्पल में आए दोस्तों हम लोग, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा महाप्रसाद चल रहा है। सभी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं खाना, और बहुत ही टेस्टी खाना है। अभी मैं सर्व करना हो गया है, अभी मैं भी ज़रा प्लेट लेता हूँ मेरा, ठीक है, और खाना इंजॉय करता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोगों ने महाप्रसाद में मस्त खाना एंजॉय कर लिया है। और एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, हम खुद ही थोड़ा लेट आए, 1:30 को आए, हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे 1:30 को महाप्रसाद होता है एवरी संडे। सो जिन किसी को भी पता नहीं है जो अमेरिका में रहते हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि अगर आप कभी हरे कृष्णा टेम्पल विजिट करते हो तो प्रोबेबली संडे को 1:30 के बीच में आए, तो आप महाप्रसाद इंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, तो आपको अंदर से दिखाते हैं मंदिर कैसा है यहाँ पर। इसे ये वैष्णव तिलक है, इसे कहते हैं ऊर्ध्व पुंड्र। ये भगवान विष्णु का प्रतीक है, और ऐसे मान्यता है कि भगवान विष्णु का चिन्ह हमारे मस्तक पर होना चाहिए, ताकि हमारे मस्तक के साथ हमारा जीवन भी शुद्ध और पवित्र हो, सुरक्षित रहे। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ, और इधर कृष्ण भगवान है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है सब चीज़, और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो एक्चुअली हमें मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये है कृष्ण भगवान, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और हितार्थ और ईशु और अधीरा अंदर चले गई है दर्शन करने के लिए।
जय श्री कृष्णा। के फाउंडर है स्वामी जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इनका नाम है भक्ति वेदंता स्वामी प्रभुपदा जी। तो आई एम सॉरी इफ इन केस अगर मैंने नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस किया हो। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली ये इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, तो इनके गुरुजी ने इनको बोला कि क्यों ना तुम मतलब अमेरिका में, बाहर देश में जाके कृष्णा जी का प्रचार करो। तो फिर ये अमेरिका आए, और अमेरिका आने के पहले इन्होंने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी भगवद गीता है, और हिंदी की भगवद गीता की कीमत है $251 यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज में भी भगवद गीता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी बुक्स दिख रही होगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भगवद गीता है यहाँ पे, सो दैट कि बाकी अदर लैंग्वेज वाले लोग भी ये बुक ले सके और भगवद गीता सुन सके, समझ सके। सो गाइज, अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना आप ख्याल रखें, टेक केयर। दोस्तों, एक स्मॉल करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पर जो महाप्रसाद मिलता है वो सिर्फ संडे को ही नहीं मिलता है, तो ये रोज ही मिलता है दोस्तों 1:30 पे। तो ये अभी मैंने कंफर्म किया है, और यहाँ पर लॉज भी है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हो, रुकना चाहते हो तो यहाँ पर रुक सकते हो। तो लॉज का अरेंजमेंट भी है। अभी गौशाला चलते हैं दोस्तों, और पैलेस ऑफ गोल्ड है वो भी देखने चलते हैं यहाँ से हम लोग। और आजू बाजू पूरा फॉरेस्ट है दोस्तों, तो पिकॉक भी आते हैं, तो हमें अगर लकीली दिख गया तो दैट विल बी गुड।